काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता है स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करो तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि माँ तेरी जय। ओम देवी काल रात्रे नमः, ओम देवी काल रात्रे नमः। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति के शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ काल रात्रि की कथा। नवरात्रि के सातवें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। माँ भवानी का यह स्वरूप काल रात्रि माँ और माँ महाकाली के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पाप का नाश करने हेतु माँ आदिशक्ति ने अपने तेज से इस रूप को धारण किया था। माँ कालरात्रि अर्थात माँ काली का रंग एकदम घने अंधकार की तरह काला है और इनके बिखरे और खुले बाल हैं। इन्होंने गले में मुंडों की माला धारण की हुई है। माँ कालरात्रि के तीन नेत्र हैं। माँ के श्वासों से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका एक हाथ वर मुद्रा में है जो सबको आशीर्वाद देता है और एक हाथ अभय मुद्रा में है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। इनके एक हाथ में लोहे का कांटा तथा एक हाथ में खड्ग है। माँ काली का वाहन गर्दभ यानी गधा है। माँ काल रात्रि जहाँ पर अपने भक्तों के लिए बहुत ही ममता भरी और दयावान है, वहीं दुष्टों के लिए उनका विनाश है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ काल रात्रि की कथा। पूर्व काल में शुम्बन शुम्ब नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य छीन लिया। वह स्वयं स्वर्गलोक का उपयोग करने लगे। इंद्र अपने अन्य देवताओं सहित अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। जब देवता माता की स्तुति कर रहे थे, तब माँ पार्वती गंगा में स्नान करने आई। तब माँ के शरीर से अपराजिता देवी प्रकट हुई और बोली कि दैत्यों के अत्याचारों से परेशान और अपने राज्य अर्थात स्वर्गलोक से निकाले देवता मेरी आराधना कर रहे हैं। तब माँ पार्वती के शरीर से माँ अंबिका निकली। माँ पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध में शुम्बन शुम्ब ने दो दैत्यों चंड और मुंड को भेजा। तब चंड और मुंड से लड़ने के लिए माँ अंबिका ने माँ काली का निर्माण किया। माँ काली ने चंड और मुंड को मार दिया और इसीलिए उन्हें चामुंडा के नाम से जाना जाने लगा। चंड मुंड के संहार के बाद शुम्बन शुम्ब ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज एक अति बलशाली राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जैसे ही जमीन पर गिरेगी तो उसके जैसा ही एक पराक्रमी योद्धा पैदा हो जाएगा, अर्थात उसका रक्त एक बीज के रूप में काम करेगा। युद्ध में जैसे ही रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरता, उससे एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। यह देखकर देवता और भी भयभीत हो गए।
तब माँ काली ने महाकाली विकराल रूप धारण किया और रक्त बीज का रक्त पीती गईं। उन्होंने रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरने नहीं दिया। वह अपने खड़ग और खपर से रक्त पीती गईं। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया। माँ महाकाली आदि शक्ति का ही रूप है, जो दुष्टों का नाश करती हैं और पापों को खत्म करती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से कठिनाइयों को दूर करती हैं। जो कोई भी सच्चे मन से, प्रेम से, भक्ति भाव से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, माँ उसके जीवन के सभी विघ्न हर देती हैं। हे माँ कालरात्रि, अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय माँ कालरात्रि की।